हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारूक मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी की जो ये हमारी वीडियो है, ये फनी वीडियो की रिएक्शन वीडियो, और वीडियो का नेम है ब्लाइंड दूल्हा प्रैंक। नादिर अली और पी फॉर पकाओ की यह है ये वीडियो। पहले हम देखेंगे वीडियो और से मेरा रिएक्शन, उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले प्रैंक की वीडियो और से मेरा रिएक्शन। हेलो हेलो भाई, हेलो आप हो? इंसान हो? इंसान हो कौन? अल्हम्दुलिल्लाह इंसान हूँ भाई। कोई तीन चार कुत्ते भी कहते, आप इंसान ही हो ना भाईजान? भाईजान कहाँ है भाईजान? मेरी यहाँ पे अभी शादी थी, हॉल था, शादी हॉल पे बुलाया था मुझे। कहाँ है? देखे जरा, कुछ आवाजें भी लगा रहा हूँ कि अब मेरे साथ फराट तो नहीं हो गया? मैं सब रात। कौन सी शादी है आपकी भाई? मुझे बुलाया था कि यहाँ पे आप हॉल में आ जाना, आपकी शादी होगी, आपको एक खुद चांद जैसी बीवी मिलेगी, समझ लो। यहाँ तो कुछ भी चांद चांद में बाकायदा आपके उगावा देख रहा हूँ मैं, बीवी तो नहीं है। मुझे कह रहे थे तो पागल लग रहे हो, तो शादी आदि क्या हो रही है आपकी? मेरे साथ थोड़ा सा फ्लर्ट हो गया, लड़की वालों ने मुझे बुला के ना बेवकूफ बना दिया, समझ रहे। मुझे बुलाया था, मैं आ रहा हूँ बेसिकली पशीन से, पशीन भाईजान। हेलो लड़का की दे रहे हो क्या? हेलो भाई, नाबीना हूँ यार, थोड़ा सा ट्रायल करे, साइड में कॉपरेट करे सर। मैं घोड़की से आया हूँ, मेरे को यहाँ बताया था कि यहाँ पे आपका शादी कर रहे हैं, शादी हाल होगा, समझ रहे हो बात को। बारात ने भी धोखा दे दिया, जो मेरे साथ आई थी वो भी गायब हुई हुई है। लड़की वालों ने कहा था कि लड़की देंगे और आपको जहेज में दो सुजुकियां भी भर के देंगे, समझ रहे। आपको यहाँ पे आया हूँ, ना कोई लड़की है, ना जहेज है, ना कोई हाल दिख रहा है। मैं नाबीना भी हूँ। आप है कहाँ? आप मेरे को ये तो बताया, आप सिर्फ आपकी हवा आ रही है आप जब बात कर रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं आपको? कितनी दफा बताओ आपके बहरे है क्या? एड्रेस कहाँ का दिया था आपको? एड्रेस कहीं का दिया था यार यहाँ पे, लेकिन यहाँ शादी हाल नजर नहीं आ रहे, सारे चाइना कटिंग में तोड़ दिए क्या? नहीं अच्छा नहीं, आप मेरे को वहाँ मंजिल है मकसूद तक पहुँचा दे, जो मेरी मंजिल है ना, आप मेरी वहाँ तक हेल्प कर दे। मेरी मंजिल है जिंदा लड़की, उकाड़ा उकाड़ा। आप उकाड़ा में नहीं है, पाकिस्तान में कराची है, कराची में है आप? कराची जी। ये क्या हो मेरे साथ हो गया है? मेरे को बोला था कि मैं उकाड़ा छोड़ा है, दलील का बचा रही हूँ। ट्रक वाला, ट्रक में आया, ट्रक वाले ने बोला, ट्रक वाले ने बोला कि मैं उनको उकाड़ा, आगे उतरो, ये तो कराची ही है, और तुम्हारे मुंह से मावे की बदबू भी आ रही है, कराची में। लड़की वाले शायद मुकर गए, उन लोगों ने ना मुझे जब ही गलत गलत एड्रेस दिया था, बारात भी मेरी घूम गई है। आप बारात वाले हो कौन हो? समझ नहीं आ रहा, कोई लड़की देने को तैयार ही नहीं है यार। लड़की देखी थी? लड़की देखी थी मैंने, बारात देखी थी कहाँ? लड़की देखी नहीं, जाहिल आदमी में नाबीना हो यार, लड़की देखी नहीं थी, कटोली थी मैंने। नाबीना को कबूल कर लिया, नाबीना को भी कबूल करने वाली बहुत शख्सियत है, ऐसी बात है। आप नाबीनाओं का मजाक नहीं उड़ाए, आप नाबीना एहसास एहसास से मोहब्बत करते हैं नाबीना, समझे ना आप, कम से कम ये एहसास करे, समझ रहे। आप खुद हकीम लग रहे हैं मेरे को, गलत नुस्खे देने वाले हकीम लग रहे हैं। यकीन करे मेरे साथ बहुत फराट गया, मैं तो सलाजीत वगैरह सब खा के आया हूँ, क्या और चीज नहीं मिली मुझे अभी तक। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यकीन करो तकरीबन दो तीन दिन से मछलियां खा रहा हूँ, परेशान हूँ बस। अजीब अजीब मैं बात कर रहा हूँ, गरीब आप है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात करो, मजाक ही कर रहा हूँ, बाकी कैमरा लगा हुआ है, वो देखो कैमरा लगा हुआ, मजाक कर रहा हूँ, हाथ हिला दे। और ये बोलते पी फोर पकाओ को सब्सक्राइब करें, पी फोर पकाओ को सब्सक्राइब करें। और ये आपका भाई दूल्हा नादिर अली, हाथ हिला दे। और ये बोलते हैं पी फोर पकाओ को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा प्रैंक नादिर अली का, पी फॉर पकाओ का। दूल्हा जो था कैसा अजीब ही गरीब दूल्हा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैंक था, और जो प्रैंक का नेम था ब्लाइंड दूल्हा प्रैंक।
और आप लोगों ने मेरे साथ देखा ये प्रैंक और उससे मेरा रिएक्शन, हम बात कर लेंगे या आपको शॉर्ट रिव्यू देंगे इस प्रैंक के हवाले से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार किस्म का प्रैंक था, काफ़ी यूनिक और डिफरेंट और बहुत ज़्यादा मज़े का था। मेरी तो ख्वाहिश थी इस प्रैंक की लेंथ और लंबी हो ताकि और इंटरेस्टिंग हो सके और मज़ा आए देखने को, क्योंकि जो इस प्रैंक का टॉपिक था या जो मतलब जिस तरह का ये प्रैंक था तो इतना इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्म का था कि बस देखने को दिल करे जाए कि अब आगे और क्या होगा, किसके साथ क्या होता है, कौन क्या कहता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूनिक किस्म का प्रैंक था और नादिर अली और उनकी टीम या फिर जो इनके वीफर पकाओ के प्रैंक होते हैं काफ़ी डिफरेंट यूनिक और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और बहुत ज़्यादा हटकर होते हैं, दूसरों से हटकर होते हैं, यूनिक होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं और इतने मज़ेदार होते हैं। जैसा कि आपने मेरे साथ देखा ये प्रैंक, आपने आज तक इससे पहले नहीं देखा होगा तो इनकी यही क्वालिटी है, इनके जो प्रैंक होते हैं बिल्कुल जो है ना वो न्यू किस्म के होते हैं जो आज तक पहले किसी ने नहीं बनाए होते, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट और न्यू आइडियाज़ के ऊपर ये प्रैंक अपने बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्म के होते हैं, जो जितनी बार भी देख लो दिल करता है फिर से बार बार देखने का। जैसे कि ये प्रैंक था बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म का था, इस प्रैंक की और लेंथ अगर लंबी होती तो और ज़्यादा मज़ा आता देख कर। और इस तरह के प्रैंक जो कि आवाम के साथ रिकॉर्ड किए जाते हैं तो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है, इस तरह के किसी को गुस्सा आ गया कुछ भी हो जाए एक्स वाई जेड, लेकिन ये प्रैंक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्म का था तो इसमें गुस्सा नहीं, इसमें बंदा परेशान ही होगा जिनके साथ ये प्रैंक रिकॉर्ड किया जा रहा है, बल्कि वो भी टेंशन में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। तो ये इसी तरह का इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्म का प्रैंक था जो कि आप लोगों ने मेरे साथ देखा और ये बहुत ज़्यादा यूनिक और हट के प्रैंक था, ब्लाइंड धुला प्रैंक जो कि आप लोगों ने मेरे साथ देखा। मैंने तो फुल इन्जॉय किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे इसको देख के, मैं प्रैंक में गुम ही हो गया था बिल्कुल। और जो कि जिस तरह का ये प्रैंक था तो बहुत इंटरेस्टिंग और हटकर और बहुत ज़्यादा यूनिक था, और जो है जितनी तारीफ़ की जाए इनकी प्रैंकों की नादिर अली और इनकी टीम या बीफ और पकाओ की उतनी ही कम है, लेकिन ये प्रैंक भी बहुत ज़्यादा पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन, उसके बाद हमने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय इस बारे में, आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। और अब आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।